आप सभी का SPS क्लासेस में स्वागत है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टोन के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो स्टोन वाला जो पार्ट था, मैंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फर्स्ट ईयर वालों के जो है जब सिलेबस देखा तो उसमें जो है कुछ चीज़ें मैंने आपको ज़्यादा बता दी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस में जितना है आप उतना ही पढ़िएगा। ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, आज से जो है आपका इसके आगे वाले पहले चैप्टर में ही क्या है, ब्रिक वाला जो है जो पार्ट है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो हेडिंग आप सभी डाल दीजिए, ब्रिक। ईंट, तो देखिए ईंट के बारे में हम जानते हैं। ईंट क्या होता है, ईंट आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो ईंट की जो साइज होती है वो उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, तो दो तरीके से ईंट की साइज जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक आपकी पहला बात करते हैं तो व्यवहारिक ईंट होती है, और दूसरा जो होता है आपका वो मॉड्यूलर ईंट होती है। ठीक है, पहला आपका बात करते हैं जो ईंट होती है वो आपकी व्यवहारिक ईंट होती है, व्यवहारिक ईंट। और दूसरा जो होता है आपका वो आपका मॉड्यूलर ईंटें होती है, मॉड्यूलर ईंट कहते हैं इसको। तो दो तरीके की ईंट होती है, एक आपकी व्यवहारिक ईंट होती है, दूसरा आपका मॉड्यूलर ईंट होता है। इसमें आप देखिए ईंट जो है, पहले ईंट का हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके साइज के बारे में हम आपको बताएंगे कि ईंट की साइज जो है वो क्या होती है। ये हमने ईंट बना दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं ईंट की जो साइज़ है, यहाँ पे आप देखे होंगे इस तरीके से एक छोटे से जो है ऐसे दिल्ला कटा होता है, इसको हम दिल्ला कटक दिल्ला कहते हैं। जो ये बीच वाला भाग है उसको हम दिल्ला कहते हैं। ठीक, और इसी में जो है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आइए देखिए जो है इसकी, इसमें आप जो है ये थोड़े से इसमें आप कह सकते हैं इसमें आपका जो है गड्ढा बना हुआ होता है, हल्का सा जो है गहरा होता है। तो ये गहराई होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, जो इसके अंदर ऐसा हल्का सा बना होता है वो आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, इस तरीके से गहराई होती है। ठीक, इसकी जो साइज़ होती है, देखिए दोनों की साइज़ अलग अलग होती है। अगर व्यवहारिक ईंट की बात की जाए, ठीक, तो इस समय जो ईंट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी ईंट है, वो आपकी व्यवहारिक ईंट है। वो आपकी जो ईंट होती है वो व्यवहारिक होती है, उसकी साइज़ जो होती है 9 इंच इंटू 3/8 और इंटू 2 सही 3/4 जो होता है इंच होता है। कहने का मतलब है ये व्यवहारिक ईंट की जो साइज होती है 9 इंच × 4 सही 3/8 इंच × 2 सही 3/4 इंच जो होता है व्यवहारिक ईंट की साइज होती है। जो हम जो है क्या कर रहे हैं, जो व्यवहारिक तरीके से इस समय जो आप देख रहे हैं जो ईंटें मिल रही हैं वो व्यवहारिक ईंटें होती हैं। ठीक, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए, सेंटीमीटर में कहा जाए, तो ये लगभग 22.9 × 11.7 सेंटीमीटर की होती है। ये अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 22.9 × 11.7 सेंटीमीटर की ये ईंटें पाई जाती हैं। और जो आपकी मॉड्यूलर ईंट होती है, मॉड्यूलर ईंट क्या है, ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है 1077 के अनुसार जो ईंटें बनाई गई हैं आईएस कोड 1077 के अनुसार क्या है, ये ईंटें बनाई गई हैं। जो आप कह सकते हैं हर जगह, जैसे आप अमेरिका में चले जाए, अदर कंट्री में आप जाएंगे, अमेरिका में चले जाए, ब्रिटेन में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, उस जगह सारे जो है जो ईंटें मिलती हैं वो मॉड्यूलर ईंटें मिलती हैं, और व्यवहारिक ईंट केवल इंडिया में मिलती है। तो मॉड्यूलर ईंट जो होती है उसकी साइज होती है 19×9×9 सेंटीमीटर
ठीक है। तो यहाँ पर जो ईंटों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सारे ईंट किसके, ईंट के मॉड्यूलर ईंट, जो मॉड्यूलर ईंट है उसी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं, हम व्यवहारिक ईंटों के बारे में नहीं पढ़ने। बनता सब कुछ है, मटेरियल सारा सेम होता है लेकिन साइज में डिफरेंस होता है, सब कुछ सेम रहता है लेकिन साइज में क्या है डिफरेंस होता है। आपको नॉर्मली आप जो ईंटें देख रहे हैं उसकी साइज 22.9 × 11.7 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो मॉड्यूलर ईंटें होती हैं उनकी जो चौड़ाई होती है और जो मोटाई होती है वो दोनों बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखते हैं हम जो मॉड्यूलर ईंट की जो है साइज यहाँ पर लिख रहे हैं 19 × यहाँ पर कितना होता आपका 9 होता है इस तरीके से, और ये भी आपका 9 होता है, सारे सेंटीमीटर में है, सभी सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से क्या होता है आपकी ईंट होती है। अब इस ईंट को जो है अब हम देखेंगे ये ईंट जो होती है ईंट को बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं। ठीक है, ईंट को बनाने में लगने वाले तत्व आप कह सकते हैं, लगने वाले कच्चा पदार्थ या पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो ईंट को बनाने में लगने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं एलुमिना, एलुमिना आपका एलुमिना होता है। दूसरा आपका होता है सिलिका, दूसरा आपका सिलिका होता है। ठीक है, सिलिका, और तीसरा आपका होता है मैग्नीशियम, 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 और चौथा आप देखिए तो मैग्नीशियम। अगला जो होता है आपका कह सकते हैं लोह ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और पांचवा आपका होता है चूना, जिसको हम लाइम कहते हैं, लाइम होता है आपका। तो इस तरीके से जो है इतने सारे जो होते हैं आपके मटेरियल होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है इतने सारे जो होते हैं क्या होते हैं, एलुमिना, सिलिका, मैग्नीशियम, लो ऑक्साइड, चूना, इन सभी को मिलाकर क्या होता है आपका ये बना होता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही क्या होता है आपका ये सारी चीज़ें जो है किसी भी ईंट को बनाया जाता है। अब देखिए इनकी मात्रा कितनी होती है, अगर हम बात करते हैं एलुमिना की तो एलुमिना की जो मात्रा होती है वो आपकी 20 से लेकर 30% होती है, 20 से लेकर 30% जो होता है वो एलुमिना की मात्रा होती है। ईंट में एलुमिना की मात्रा 20 से 30% पाई जाती है। सिलिका की जो है मात्रा होती है, देखिए सिलिका में आपके दो होते हैं, एक फाइन सैंड होता है एक आपका सैंड होता है, कैसे महीन बालू और बालू, दोनों को मिलाकर अगर कहा जाए तो ये 50 से लेकर 65% तक क्या होता है इसमें जो है आपके सिलिका होती है। ईंट में अगर मुख्य पदार्थ भी क्या होता है आपका सिलिका होता है। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, ईंट में मैग्नीशियम की मात्रा 1% होती है, कितनी होती है 1% होती है। लो ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो लो ऑक्साइड की मात्रा लेकर 4% से लेकर 6% तक क्या होता है लो ऑक्साइड की मात्रा होती है। चूना की मात्रा कितनी होती है, चूना की मात्रा आपका 3 से 5% तक होता है, 3 से 5% तक, 1% या 2% के आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आप जो है जब भी आपका ऑप्शन देता है तो उसमें क्या होता है सारी चीज़ें 1% या 2% के आप कह सकते हैं आगे पीछे कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो लाइम में जो होता है जो है चूना की मात्रा जो होती है वो 3 से 5% होती है। इनको हम क्या करते हैं, इन सभी को जो है हम मिलाकर क्या करते हैं ईंट, किसी भी ईंट को तैयार करते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपसे कहा जाए कि जो ये सब मिला हुआ है जो एल्यूमिनियम
एलुमिना एलुमिनियम है आपका, एलुमिना है ठीक, सिलिका है, मैग्नीशियम है, लोह ऑक्साइड है, तो इन चूना है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं मिलाकर फिर ईंट को तैयार करते हैं ठीक। तो इनकी परसेंटेज मात्रा आप नोट कर लीजिएगा, इसकी परसेंटेज मात्रा आप याद कर लीजिएगा एक प्रकार से कि किस तरीके से जो है को किसकी मात्रा कितनी होती है। अब देखिए इनका मात्रा की बात देखा, यहाँ पर अगर देखने से आप देख रहे हैं कि इसकी मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जो सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर आपसे पूछा जाए कि ईंट में मुख्य पदार्थ क्या होता है, तो ईंट में सबसे मुख्य पदार्थ क्या होता है, सिलिका होता है ठीक है। ईंट में सबसे मुख्य पदार्थ क्या होता है, सिलिका होता है। तो इस तरीके से जो है ईंट में मुख्य पदार्थ सिलिका होता है, और सबसे कम क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है। अन्य पदार्थ होते हैं आपके, सल्फेट भी होता है, फास्फोरस भी होता है, तो लगभग 1% में ये सारे होते हैं ठीक है। बाकी आपका जो होता है सबसे कम कहा जाए तो मैग्नीशियम होता है ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसके आगे बताने वाला हूं कि किसका क्या काम होता है। जैसे हम एलुमिना की बात करते हैं भी, अगर आप समझिए तौर से कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम ईंट में डाल रहे हैं, जब हम ईंट में किसी चीज़ को डालते हैं, इसका मतलब है कि वो उसमें क्या करता है, कुछ अपनी भूमिका निभाता है। तो कौन सी भूमिका निभा रहा है वो, उसके अंदर क्या कौन सा कार्य कर रहा है ठीक है। तो हम एलुमिना की बात करते हैं ठीक, एलुमिना की बात करते हैं कि एलुमिना जो होता है वो ईंट के अंदर कौन सा कार्य करता है। तो एलुमिना जो होता है ये ईंट को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है ठीक है, और बंधक का कार्य करता है। ईंट के जो है, जैसे हमने क्या किया, आप सुनिए, सिलिका क्या, सिलिका का मीन्स बालू है। अगर हम बालू को क्या करते हैं, आप क्या करिए लीजिए ठीक है, उसमें पानी मिला दीजिए, पानी मिलाने के बाद मुट्ठी पानी है, और फिर क्या करिए धीरे से खोलेंगे तो वो बालू क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। अगर हम केवल बालू का ईंट बनाना चाहें तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें एलुमिना मिला देते हैं। तो एलुमिना क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से क्ले भी कहते हैं इसको, क्ले ठीक है। तो ये जो है मृतिका, मृतिका हिंदी में इसको मृतिका कहा जाता है, मृतिका, एलुमिना या मृतिका कहा जाता है। तो आप ये नाम जानते रहिएगा। इन मृतिका को क्या होता है, ये चिकनी मिट्टी जैसा होता है। चिकनी मिट्टी को हम क्या करते हैं, बालू में मिला देते हैं। जब चिकनी मिट्टी को बालू में मिला देंगे तो क्या होगा, ये बालू और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बंध बना लेते हैं। और जो बंधक पदार्थ का काम करते हैं, अर्थात कहा जाए एलुमिना जो होता है वो बंधक पदार्थ का काम करता है, ईंट को मुलायम बनाने का कार्य करता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब क्या होगा, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है ठीक है, यहाँ पे मैं उसके कार्य को लिख देता हूँ। एलुमिना जो है, एलुमिना ईंट में, ऐसे लिखते हैं, ईंट में बंधक का कार्य करता है, ईंट में बंधक का कार्य करता है, ठीक है। और क्या काम करता है, ईंट को मुलायम बनाता है, ईंट को मुलायम बनाता है, और क्या करता है, अभी ईंट को बंधक बताया, ईंट को मुलायम। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है ठीक है, अधिकता होने पर, क्या होने पर, अधिकता, अधिकता होने पर यह जो है, अधिकता होने पर, अधिकता होने पर क्या होता है आपका, ये अधिकता होने पर जो इसकी मात्रा क्या होती है, इसमें ऐठन आने लगती है, जो ईंट होती है उसमें ऐठन आने लगती है। तो ईंट में, ईंट में ऐठन आने लगती है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, इसकी मात्रा बढ़ा दें ठीक है, अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा दें तो ईंट में क्या होगा, ऐठन आने लगती है। इसीलिए हमें क्या करना है, एक लिमिट में ही क्या करना है, आपको एल्युमिनियम को डालना है, उससे ज़्यादा अगर आप डाल देते हैं तो क्या होगा, ईंट में ऐठन आ जाएगी। ये सब आप नोट कर लिए होंगे ठीक। अब आगे चलते हैं हम इस तरीके से, चलिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सिलिका, सिलिका क्या काम करता है, ईंट में जो है वो सिलिका क्या कार्य करता है। हमने एलुमिना बता दिया कि एलुमिना जो होता है वो ईंट में अपनी भूमिका किस तरीके से निभाता है। अब हम बात करते हैं सिलिका की, जो सिलिका होता है आपका, जो सिलिका होता है वो जो है, देखिए जो सिलिका होता है ईंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, ईंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, ईंट को सामर्थ्य
प्रदान करता है, ठीक है। इसकी मात्रा आपको पता है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसकी मात्रा कितनी होती है ईंट में, इसकी मात्रा 50 से 60% तक होती है। और क्या होती है, मात्रा जो होती है 50 से 60% तक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईंट जो है ईंट में मुख्य पदार्थ का कार्य करता है, मुख्य पदार्थ का कार्य करता है। अब देखिए, इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, जब ईंट में क्या होगी, जो है बालू की मात्रा ज्यादा होती है, तो ईंट के जो किनारे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, झड़ने लगते हैं, माने छोटे छोटे दानों के रूप में क्या होंगे, उसके जो सरफेस होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, उसके किनारे झड़ने लगेंगे। तो ईंट में अधिकता से आप कह सकते हैं, अगर अधिकता हो जाए, सिलिका की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो ईंट के जो किनारे झड़ने लगते हैं, ईंट के किनारे झड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे आप क्या है, सिलिका के जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आप नोट कर लेंगे कि सिलिका की जो हम क्या करते हैं, जब मिलाते हैं, तो इसमें आपका ये सिलिका कौन सा कार्य करता है, इसकी मात्रा अधिक होने पर ये जो है इस पर क्या, ईंट पर क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बात करते हैं चूना की बात करते हैं भाई, चूना लाइम की बात करते हैं। तो देखिए, चूना जो होता है आपका, वो ईंट में क्या करता है, गालक का कार्य करता है। वो ईंट में जो है, चूना जो होता है ईंट में, गालक का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी ईंट को पकाने का काम करता है। इसको हम मिला देते हैं तो ईंट क्या होती है, कम समय में ही क्या हो जाती है, पक जाती है। तो ये चूना जो होता है ईंट में, गालक का कार्य करता है। चूना ईंट में गालक का कार्य करता है, का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, जो ये क्या करता है, जो चूना है उसकी मात्रा कितनी होती है, चूना की मात्रा ईंट में कितनी होती है, ये आपका 3 से लेकर 5% तक होता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं, इसकी अधिकता होने पर क्या होगा, अधिकता होने पर क्या हो जाएगा, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, चूना का ईंट में क्या हो, इसकी मात्रा बढ़ जाए, तो ईंट जो हमारी होती है वो ज्यादा पक जाती है, जल जाती है, जिसको आपने देखा होगा झावा ईंटें कहते हैं। झावा ईंटें क्या होती हैं, काली पड़ जाती हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, वो हल्का हो जाता है, इसीलिए आप क्या करेंगे, वो ज्यादा पक जाएंगे और काला और नीला धब्बा पड़ जाएगा ईंट पर, इसीलिए क्या होते हैं, आप कह सकते हैं अधिक जल जाएगी ईंट, क्या हो जाएगी, अधिक जल जाएगी और समय से पहले पक जाएगी, समय से पहले पक जाएगी, ठीक। इसीलिए जो है इसकी मात्रा हम क्या करते हैं, लिमिट में रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे चलते हैं। अभी देखिए, अब लो ऑक्साइड क्या काम करता है, लो ऑक्साइड जो होता है वो क्या काम करता है, ये जो है था ईंट को रंग प्रदान करता है। आप देखोगे ईंट कैसी होती है, लाल दिखाई देती है, तो किसके कारण, इसी में जो है लोह पदार्थ होता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ईंट हमारी जो होती है वो लाल हो जाती है। तो ईंट का रंग प्रदान करने का काम करती है, ईंट को रंग, लाल रंग ऐसे लिखिए, ईंट को लाल रंग प्रदान करती है। ठीक है, और क्या काम करती है, ईंट को सामर्थ्य प्रदान करती है, ईंट को सामर्थ्य प्रदान करती है। इसकी मात्रा अधिकता, इसकी मात्रा आपको पता होगा, इसकी मात्रा होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो कितना होता है, 2 से 5% तक, या आप सॉरी 4 से 6% तक, इसकी जो मात्रा होती है,
इसकी जो मात्रा होती है वो 4 से 6% तक होती है। और जो इसकी अधिकता होने पर, इसकी अधिकता होने पर देखिए, अधिकता होगा तो क्या होगा, अधिकता होने पर ये क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। अधिकता होने पर यह काला पड़ जाता है, यह काला या भूरा पड़ जाता है, ठीक है। और कमी होने पे क्या होगा, पीलापन, ईंट में जो है वो पीलापन आ जाएगा। कमी से क्या होगा, कमी से ईंट में पीलापन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है, जितने भी पदार्थ जो ईंट में मिलाए जाते हैं सब क्या करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं ईंट में, जिससे ये ईंट जो है इन सभी पदार्थों से मिलकर एक अच्छी ईंट हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक। तो इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, ईंट में यूज करके इनकी मात्रा निश्चित होती है, इन्हीं मात्रा को अनुसार हम क्या करते हैं, मिलाकर अच्छी ईंट तैयार करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ठीक। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, ईंट में कौन कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ईंट में क्या होते हैं, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, ईंट को जब पाथते समय, आप कह सकते हैं गूंथते समय क्या होता है, ईंट में प्रवेश कर जाते हैं। जब ईंट में प्रवेश कर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ईंट की सामर्थ्य को कम करने का कार्य करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हानिकारक तत्व उपस्थित होंगे उसको हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या जो है हानिकारक तत्व होता है, ठीक। तो लिखिए, ईंट में हानिकारक तत्व, ईंट में हानिकारक कारक तत्व। तो देखिए, ईंट में जो हानिकारक तत्व होता है, पहला आपका होता है चूना, पत्थर, दूसरा आप कह सकते हैं रेह या कलर कहते हैं इसको, क्षारी पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है, क्षारी पदार्थ। तीसरा आपका होता है, तीसरा आपका हो सकता है घास फूस, जिसको वनस्पति आप कह सकते हैं, ठीक है, घास फूस वगैरह से क्या होता है, ये भी आपका हानिकारक तत्व होता है। चौथा आप कह सकते हैं कंकड़, जो कंकड़ होता है ये भी क्या करता है, हानिकारक का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चूना पत्थर रेह घास फूस कंकड़, ये किस तरीके से होते हैं, देखिए ये कैसे जो है ईंट में मिलकर कैसे खराब करते हैं। जो चूना पत्थर होता है, जब ये ईंट में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, तो ये जो है ईंट में आप देखे होंगे, जब ऐसी ईंट भी आपको दिखाई देगी, धीरे अलग अलग जगह क्या होती है, ऐसे बूंदीदार जो है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। जब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि ईंट में क्या हो, चूना पत्थर हो गए हैं, जो चूना हमने जो है उसके अंदर, ईंट के अंदर जो मिलाया था वो चूना ठीक से मिला नहीं है, इसी वजह से क्या हुआ है कि जो ईंट में है ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे के रूप में क्या हो जाता है, उभर कर बाहरी सरफेस पे दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, चूने को जब भी मिलाते हैं वो चूर्ण अवस्था मिलाते हैं, ठीक है। कभी भी चूने पत्थर को आप जो है ऐसे डायरेक्टली आप नहीं मिलाएंगे, ठीक। दूसरा आप देख सकते हैं रे और कलर, ये क्षारी पदार्थ होता है। क्षारी पदार्थ क्या काम करता है, जो रे होता है आपका क्षारी पदार्थ होता है, ये क्षारी पदार्थ क्या करता है, जब ईंट के अंदर प्रवेश करता है तो ईंट को जब आप पानी के संपर्क में आता है तो आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फुफ्ती जैसा लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद फुफ्ती लग जाता है, या उसके किनारे जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। अक्सर करके ये ठंडी का जैसे ही मौसम आता है, ठीक है, जैसे ही बरसात खत्म होती है, ठंडी जो है मौसम आता है, उस समय क्या होता है, ये सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसा जो है दीवार के ऊपर जो होता है पड़ जाता है, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि रे वगैरह आप देखेंगे, इसका जो है चेक करेंगे, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि क्षारी पदार्थ जो है नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए घास फूस से क्या इफेक्ट पड़ता है, घास फूस वगैरह क्या होती है, जब मान लीजिए घास फूस वगैरह जो है, जब ईंट के अंदर घास फूस वगैरह जब ईंट के अंदर है, मान लीजिए कोई पत्ता जो है वो ईंट के अंदर क्या है, इस तरीके से
ईंट के अंदर जो है कोई पत्ता चला गया है। अब होगा क्या, जब ये आग में हम ईंट को जलाएंगे उसके साथ हमने ईंट के साथ क्या किया है, कोई घास फूस वगैरह जो है निकाले नहीं है, आप क्या करें उसी के साथ आपने क्या किया, ईंट की गुथाई कर दी है। जब ईंट की पथाई आप कर देंगे तो उसको जब आग में आप रखेंगे तो होगा क्या, ईंट जो है वो जल जाएगी, जो सॉरी ईंट के जो पत्ते होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ईंट में जो पत्ता है या घास फूस वगैरह है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो ईंट जब जल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उतना स्थान जो है ईंट में खाली हो जाएगा, इतना स्थान क्या हो जाएगा ईंट में खाली हो जाएगा। और जब ईंट में खाली हो जाएगी तो वो परत क्या हो जाएगी, एक तो भद्दा दिखेगा, दूसरा ये यहाँ पे ईंट क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो इस तरीके से उसमें क्या होनी चाहिए, घास फूस वगैरह ईंट में क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपका जो होता है वो देखिए क्या है, कंकड़। कंकड़ क्या काम करता है, जब कंकड़ जो है जैसे मान लीजिए आपने जो ईंट की जिस मिट्टी को हमें क्या करना है, ईंट की पदाई करनी है, उस मिट्टी में कंकड़ ज्यादा होंगे, जब कंकड़ ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, जैसे ही ईंट को आप पकाएंगे, ठीक है, जैसे ही ईंट को आप क्या करेंगे पकाएंगे, तो यहां पर जो आप छोटे छोटे दाने के रूप में क्या होंगे, वो बाहर निकले रहेंगे, ठीक है, बाहर की ओर निकलेंगे। और जो सरफेस होगा, जो सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, जो सरफेस होगा वो आपका स्मूथ नहीं होगा। तो इसलिए स्मूथ हो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी कंकड़ वगैरह है, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल के फिर ईंटों की जो है वो पकाई करेंगे, फिर उससे ईंटों को हम क्या करेंगे, पकाई करेंगे। ठीक, इस तरीके से जो भी आपका होता है, ठीक, इसमें आपके जो हानिकारक तत्व होते हैं वो आज के लिए जो है, आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। अगला जो है इसके आगे हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जो है